सो आज हम लोग टेल टाइडी लगाने वाले हैं एक्सपल्स 200 पे। इसका पीछे का जो टेल सेक्शन है ये बहुत बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग इतना पार्ट जो है वो निकाल कर इसको हम लोग सिर्फ एक टेल टाइडी रखेंगे। यहाँ पे ये पार्ट रहेगा, इसको नहीं निकाल सकते। शुरू करते हैं प्रोसेस, देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं, यहाँ के पैनल्स खोलने वाले हैं। पहले दो स्क्रू यहाँ लगते हैं, यहाँ पे भी दो स्क्रूज लगते हैं, इनको खोलते हैं। उसके बाद फिर और अंदर देखते हैं क्या क्या है खोलने के लिए। जितना मुझे समझ रहा है उसके हिसाब से ये पूरा खोलना पड़ेगा, और ये भी निकालना पड़ेगा पूरा ये वाला पार्ट, और फिर ये भी निकलेगा। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है बट करना तो पड़ेगा। ओके, सो यहाँ के चार दो स्क्रू निकाल लिए, वहाँ के निकाल लिए, अब यहाँ के और दो। ये दो निकालने के बाद मेरे ख्याल से ये पूरा आ जाएगा ना बाहर। अच्छा, यहाँ पे भी अंदर एक स्क्रू, अंदर दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, उनको खोलना है उसके बाद निकलेगा। यहाँ पे भी एक है स्क्रू, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये इस वाले पे लगा है स्क्रू पे, इस वाले पे और इस वाले पे। ऑलराइट, सो अब ये सेक्शन बाहर आ रहा है। इसका मेरे ख्याल से लाइट भी निकालना पड़ेगा, टेल लाइट। ओके, सो इसको निकालते वक्त ये भी ध्यान देना है कि ये जो पार्ट है यहाँ पे सीट का चाबी लगा हुआ है, सीट निकालने वाला, तो उसका आपको केबल यहाँ से निकालना पड़ेगा खींच के बाहर। ये है वो केबल। अब ये वाला पोर्शन निकालना है पूरा, जिसके लिए हम लोगों ने एक्चुअल में टेल टाइडी लिया है। इस पोर्शन को पूरा बाहर निकालेंगे अभी। ये टेल टाइडी का ये जो सेक्शन है टेल का, इसको निकालने के लिए टोटल ऐसे चार हैं और ऐसे वाले छः हैं। ये 8 mm के हैं, इस साइड दो, इस साइड दो, चार, और ऐसे वाले छः हैं। ऐसे ही उस साइड भी है, और सब ढीले हैं यार स्क्रूज, इतने टाइट नहीं है। सो ये इसमें से एक जो पीछे का सेक्शन है इसके लिए इतने सारे स्क्रूज खोलने पड़ते हैं, टोटल 10, और यहाँ पे इतने सारे और स्क्रूज हैं। काफ़ी ज़्यादा स्क्रू हैं यार पीछे के सेक्शन के लिए। सो ये ऐसे निकल गया इसमें से पूरा। यहाँ पे क्लिप्स, ये क्लिप्स हैं, इनको थोड़ा संभाल के निकालना है। इंडिकेटर के सारे लाइट्स वगैरह सब डिस्कनेक्ट कर देने हैं जो भी है इसके साथ, और इसको अब साइड में रख देते हैं। तो ये दोनों भी निकालने हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर के स्क्रूज हैं और इंडिकेटर हम लोगों को वापस लगाना है टेल टाइडी पे। तो अभी इंडिकेटर निकाल रहे हैं हम लोग इसमें से, ओल्ड वाले टेल सेक्शन से, और इसको फिर हम लोग टेल टाइडी के सेक्शन में लगाएंगे। सो टेल टाइडी का ये जो सेक्शन है इसके बड़े वाले होल्स में इंडिकेटर का लगेगा। सो ये वाला जो टेल टाइडी है ये यूनिवर्सल वाला है, इसलिए इसमें इतना अच्छे से फिक्स नहीं होता, कर लेंगे थोड़ा जुगाड़ लगा के। इसके लिए जो ओरिजिनल आता है वो अराउंड 1000 rupees का आता है विथ डिलीवरी चार्जेस। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वो वाला भी ले सकते हो, वो परफेक्ट फिट होता है, और वो जो होता है वो यहाँ पे जो चेसी का जो पार्ट है इसमें अच्छे से लगता है, और ये जो यूनिवर्सल वाला है ये प्लास्टिक सेक्शन पे लगेगा, तो गाड़ी चलाते वक्त ये हिल सकता है। सो ये जो स्क्रू इसके साथ मिला है इसमें एक ही वॉशर था, हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा वॉशर लगाया है इसमें, तो हम लोग इसको दोनों अपर और लोअर साइड में लगाएंगे वॉशर को, ताकि थोड़ा अच्छे से फिट हो। आप देख सकते हो ये कैसे जा रहा है इसके अंदर, एक वॉशर ऊपर रहेगा और एक वॉशर नीचे की तरफ रहेगा, यहाँ पे अच्छे से पकड़ के रखेगा। सो ये स्क्रूज अंदर डालने के लिए यहाँ पे जो मेटल का एक पार्ट होता है वो निकालना पड़ेगा, ये इधर का जो पार्ट है ऐसा, यहाँ का निकालना है सिर्फ। यहाँ से इसको आप निकाल कर यहाँ लगा दो टेम्प्ररी के लिए, इनकेस आपको वापस स्टॉक यूज़ करना है तो इसको निकाल कर वापस यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक जगह दी गई है लगाने के लिए, तो अब यहाँ का निकाल दिया है, यहाँ पे भी स्क्रू आराम से डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी इतना गैप है क्योंकि ये जो प्लास्टिक का पार्ट है ये बीच में आ रहा है, तो हम लोग बराबर वॉशर लगा कर इसको इक्वली टाइट कर देंगे ताकि ये अच्छे से पकड़े उसको, और ये नीचे से एक और वॉशर लगा कर फिर इसको टाइट कर देना है। इसके अंदर आप देख सकते हो रबर का ये थोड़ा रिंग जैसा है, जिसकी वजह से ये हाथ से नहीं टाइट होता, तो ऊपर एक नट से हमें इसे पकड़ना होगा और नीचे
स्पैनर से इसको टाइट करना होगा ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए इसके अंदर। सो टेल टाइडी लगा दिया है, कुछ ऐसा दिखेगा ये। नंबर प्लेट लगाने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। अभी इसमें इंडिकेटर लगाना बाकी है, ऐसे साइड से इंडिकेटर जाएगा इसके होल में से, और जो उसका इंडिकेटर का स्क्रू होता है वो लग जाएगा उस पर। यूनिवर्सल का यही प्रॉब्लम है, इसकी जो खुद की जो साइड इंडिकेटर्स हैं उसमें एक होल है अच्छे से पकड़ के रखने के लिए। सो थोड़ा अल्ट्रेशन इसमें करना पड़ा हम लोगों को। होल्स जो दिए थे ये बहुत छोटे दिए थे इसके, और नंबर प्लेट की जो लाइट होती है उसका होल्स थोड़ा ज़्यादा दूर दूर है, तो ये हम लोगों ने नया अभी ड्रिल करवाया फिट करने के लिए। और इसका जो इंडिकेटर है एक्सपल्स का, उसको यहाँ पे एक मेटल का एक्स्ट्रा एक स्पेसर जैसा होता है जिसकी वजह से वो लॉक होता है स्टॉक मडगार्ड में, उसको भी काटना पड़ा। तो काटने के बाद अभी ऐसा दिख रहा है। दोनों का यही प्रॉब्लम था, दोनों में काटा है। ये आ गई दोनों इंडिकेटर की वायर, इसमें से कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है वो लगाकर ही समझेगा इनके अंदर। नंबर प्लेट और टेल लाइट दोनों लगा दिया है, अभी इंडिकेटर्स भी लगा दिए उस पर। तो अभी तो ये फिलहाल थोड़ा हिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग ये सारे नट्स वट्स लगाएंगे तो हार्ड हो जाएगा अच्छे से। अभी सिर्फ इसमें से यही वाला पार्ट लगेगा, ये नहीं लगा सकते वापस, क्योंकि हम लोगों ने यही पूरा सेक्शन निकालने के लिए ही टिल्ट आईडी लगाया है। अब सिर्फ ये लगेगा ब्रेक लाइट। सो इस अभी प्लास्टिक सेक्शन को हम लोगों ने एक 8 नंबर के नट से यहाँ से और एक 8 नंबर का नट यहाँ पे लगाकर अच्छे से टाइट कर दिया है। अभी हिल नहीं रहा, और अब इसके ऊपर जो बीच का सेक्शन होगा प्लास्टिक का वो लगाना है। ये पूरा टेल लैम्प के साथ होता है, इसमें टेल लाइट के साथ इसको वापस लगाना है बीच में। सो अब ये जो सीट निकालने की जो वायर है उसको लगाना है इसमें वापस, और जो टेल सेक्शन जो टेल लाइट है इसका उसको इसमें लगा देना है यहाँ पे। कनेक्टर का जो बूट होता है उसके अंदर डाल दो अच्छे से ताकि पानी वानी ना जाए, उसमें रस्ट ना हो कुछ, और फिर इसको फाइनली लगा दो इसके अंदर अच्छे से।